एवं हमारे बीच आए और हम झांसी वासियों को आशीर्वाद दें, इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, या मैं यूं कहूं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जनता के सुख और चयन के लिए, यहां की गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक तपस्वी के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश परिवार के मुखिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर आसीन ओजस्वी वक्ता मेरे मित्र, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्री भाई महेंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, बबीना विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजीव सिंह परीचा जी, विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राजा बुंदेला जी, मंच पर आसीन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव, और आपके उत्तर प्रदेश से जिनका बहुत पुराना नाता है, ऐसे उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी श्री परमेश्वर नैयर जी, उत्तर प्रदेश के जल संसाधन विकास के सचिव श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, तकनीकी के आधार पर जिन अन्य 10 स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उन सब कार्यक्रमों में दूर दराज क्षेत्र से जुड़े हुए सारे सांसद बंधुओं, विधायक मित्र, जनप्रतिनिधिगण, सभागार में उपस्थित सारे जनप्रतिनिधिगण, प्रिय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज उस शौर्य, सम्मान और स्वाभिमान की धरती पर खड़ा हूं जिसके पन्नों को यदि भारत के मध्यकालीन इतिहास में से निकाल दिया जाए तो शायद भारत के मध्यकालीन इतिहास की पुस्तकों की मोटाई बहुत कम हो जाएगी। ऐसी स्वाभिमान की धरती, शौर्य की धरती और ऐसी पवित्र धरती की रज को अपने सिर पर धारण करते हुए मैं आज अपने आप को एक इस विषय के लिए भी गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज बुंदेलखंड इस प्रदेश का नाम, जिस क्षेत्र का नाम हमेशा पानी की कमी से जूझता हुआ क्षेत्र ऐसा माना जाता था, और मैं ये दर्द इसलिए महसूस कर सकता हूं कि जैसा अभी अनुराग जी ने अपनी बात कहते हुए कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, उस क्षेत्र से आता हूं जहां केवल 6-7 इंच लगभग बरसात साल भर में औसत होती है। कुल अगर पिछले 50 साल का इतिहास उठाकर के देखें तो 43-44 साल ऐसे हुए होंगे जब वहां वर्षा की न्यूनता रही होगी, अकाल पड़ा होगा, कहीं 25% डेफिसिट होगा, 50% कमी होगी, 100% कमी होगी, या लगातार 2-3 साल तक अकाल पड़ा होगा। मैं उन माताओं बहनों का दर्द निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं जो सिर पर मटका रख करके कई 100 मीटर से लेकर के कई किलोमीटर तक पैदल पानी लाने के लिए, परिवार की आवश्यकता के लिए पानी लाने के लिए चाहती हैं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बुंदेली में, इन्होंने कहा कि कसम मर जाए पर मटका गगरी ना फूटे। उस महिला का ये दर्द जो है, इस दर्द को यदि देश में किसी ने समझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूर दूर दराज क्षेत्र तक अपने परिवार के पानी की आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए महिला बचपन में लेकर के जब छोटी गगरी सिर पर उठा करके चलना प्रारंभ करती है, तब से लेकर के वो वृद्धावस्था में कमर झुक जाने तक जब सिर पर रख करके पानी लाती है,
वो जितने कदम चलती है उन कदमों को अगर सीधी एक रेखा में नापा जाए तो वो धरती के कई कई चक्कर लगाने जितना परिश्रम हर अपने जीवन में प्रतिदिन करती है। निश्चित रूप से हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें इस अभिशाप से त्रस्त, इस अभिशाप से मुक्त करने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। अनेक लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की, लेकिन अब तो पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और यदि मोदी जी ने ठाना है तो निश्चित रूप से पूरा होगा। मुझे याद है 5 साल पहले जब लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर के उन्होंने ये बात कही थी कि हम हर एक घर में बैंक का खाता देंगे, तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, लेकिन बैंक का खाता मिला। देश के 35 करोड़ से ज्यादा घरों तक बैंक की सुविधा पहुंची। 68% के लक्ष्य के साथ में प्रारंभ किए हुआ काम संपूर्णता के अंजाम तक पहुंचे। देश के प्रत्येक घर में शौचालय बनना चाहिए। परमेश्वर नैयर साहब यहाँ बैठे हैं, हम जब अनुभवों को साझा करते हैं, मंत्रालय में बैठकर उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस प्रदेश में जब भारत का स्वच्छता मिशन, माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना कि हम 2019 तक देश के प्रत्येक घर में शौचालय बना करके देश को खुले में शौच से मुक्त करेंगे, दुनिया के 100 करोड़ खुले में शौच से अभिशप्त जो लोग हैं उनमें से 60 करोड़ लोग जो भारत में हैं, उन 60 करोड़ लोगों को इस अभिशाप से मुक्त कराएंगे, उन 60 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को जो रोज अपनी गरिमा के साथ समझौता करना पड़ता है उससे मुक्त कराएंगे। जब उत्तर प्रदेश शासन में, उत्तर प्रदेश में जब इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन का विषय आया, अनुभव साझा करते हुए अनेक बार परमेश्वर नैयर साहब चर्चा करते हैं, एक जिले में सैफई जिले में कुछ गांव में प्रायोगिक रूप से काम करेंगे, केवल इतना ही काम हो पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2019 तक जब देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाए, हम देश को खुले में शौच से मुक्त करके एक श्रद्धांजलि बापू को समर्पित करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश जिस तरह से पिछड़ रहा था ऐसा लगता था कि शायद ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब आप जाए उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, उत्तर प्रदेश देश के उन 5 पहले प्रदेशों में था जिन्होंने सबसे पहले 100% का लक्ष्य प्राप्त किया। ये निश्चित रूप से चमत्कारी और परिश्रम और पराक्रम का विषय था। हर घर शौचालय पहुंचा, हर घर गैस का चूल्हा पहुंचा, हर गरीब को घर मिले, सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से और इस संकल्प के साथ में कि साधारण मानवीय के जीवन में हम परिवर्तन लाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में माननीय मोदी जी की सरकार ने पिछले 5 साल में योजनाएं चलाई। जब इस बार देश की जनता ने वापस आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा देश को 5 साल के लिए आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा, लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हमने पिछले 5 साल में बिजली, गैस का चूल्हा, शौचालय, बैंक का खाता, मकान, आवास सब देने का प्रयास किया है, केवल एक चीज ऐसी बची है जो साधारण मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने में शेष है, वो है कि हर घर तक नल से पीने का पानी पहुंचे। जिस दिन उन्होंने सिंहघोष किया था, आंकड़े बताते हुए उन्होंने कहा था कि देश में 18.5 करोड़ घर हैं जो गांव में 18.5 करोड़ परिवार निवास करते हैं, उनमें से केवल 3 करोड़ घर ऐसे हैं जहां तक पीने का पानी जो है नल के माध्यम से पहुंचता है, केवल 3 करोड़। 70 साल तक देश की सरकारों ने, प्रदेशों की सरकारों ने काम किया, लेकिन देश की केवल 16% घरों में ही पीने का पानी पहुंचता है, बाकी शेष घरों की माताओं बहनों को आज भी नित्य प्रतिदिन परिश्रम करना पड़ता है। स्वास्थ्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को यदि मैं एक तरफ रख दूं, लेकिन फिर भी जिस प्रतिकूलता के साथ में जीवन जीने को अभिशप्त हमारे देश की महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, उस दर्द को बुंदेलखंड या राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की धरती से ज्यादा शायद कोई नहीं समझ सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना लिया कि हम 2024 से पहले देश के प्रत्येक आवास तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, और मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने संकल्प 2024 का नहीं लिया, इन्होंने कहा कि हम 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर परिवार तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। और मैं आज अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित इसलिए भी महसूस करता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत कि हर घर तक पानी पहुंचे जहां सबसे ज्यादा दुरूह कठिन परिस्थिति है वहां बुंदेलखंड की धरती से प्रारंभ की है। आज झांसी, ललितपुर,
महोबा इन तीन जिलों के लिए व्यापक योजना बना करके सरफेस वाटर बांधों से पानी लेकर के और पानी घर घर तक पहुंचे और पीने का पानी हर घर में 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति की दर से पहुंचे, इसके संकल्प को साकार करने के लिए आज प्रारंभ शुभारंभ आज इस बुंदेलखंड की झांसी की पवित्र धरती से हो रहा है। मित्रों, ये केवल पानी पहुंचाने का लक्ष्य नहीं है, ये पानी पहुंचाने के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है कि पानी के माध्यम से, इस पानी के आंदोलन के माध्यम से हम गांवों में लोकतंत्र का पुनर्स्थापन और सुदृढ़ीकरण करें। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प और मार्गदर्शन था कि हम प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाएं, लेकिन गांव में पीने के पानी के प्रबंधन की व्यवस्था वो गांव के लोग मिलकर के करें, गांव की चुनी हुई समिति मिलकर के करे और उस समिति में कम से कम 50% महिलाएं हों, ऐसा सुनिश्चित किया जाना, ये हम सब ने आग्रह किया है। हमने राज्यों से आग्रह किया है कि गांव में जो पानी के प्रबंधन की समिति बने उसमें जो महिलाएं हैं वो प्रमुख भूमिका निभाए ताकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का दबाव सरकार से कम हो। हम पारस्परिक सहभागिता के साथ में परस्पर मिलकर के जन सहभागिता के माध्यम से इन योजनाओं को लंबे समय तक सफल बनाए रखें। लेकिन मात्र यही तक नहीं, इससे आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर घर तक जब पीने का पानी पहुंचाएंगे तो घर से पीने का पानी बाहर जो है उपयोग के बाहर निकलेगा, उपयोग के बाद घर से बाहर निकलेगा। हम सब जानते हैं, हम सबको इस बात की जानकारी है कि घर में जो पीने के लिए पानी सप्लाई होता है लगभग उसका 75% से भी ज्यादा हिस्सा जो है वो ग्रे वाटर के रूप में घर से बाहर निकलता है, नालियों के माध्यम से घर से बाहर निकलता है। जहां पानी का आधिक्य आप सबने देखा होगा, गांव में एक न एक तालाब ऐसा जरूर होगा जिस तालाब में जहां गंदा पानी एकत्रित हो गया है, या ऐसा तालाब होगा जो कभी किसी जमाने में गांव के पीने के पानी का स्रोत रहा होगा, जब पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचा, ऐसा अनुभव देश भर में देखने को मिला है कि जब नल के माध्यम से पहुंचा तो वो तालाब गंदे पानी का तालाब परिवर्तित हो गया। हम उस पानी का जो हमारे घर से निकलता है उस पानी का ठीक से उपयोग किस तरह से करें, उस पानी का पुनर्जनन उपयोग करने के लिए उसको साफ करके किस तरह से काम करें, उपयोग में लें नरेगा के माध्यम से, और 15वें वित्त आयोग ने जो पैसा 15,000 करोड़ रुपया जल के लिए दिया है, उत्तर प्रदेश के शासन को भी उसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपया इन सब गतिविधियों के नाम पर मिलेगा। इस माध्यम से जो है हम इस ग्रे वाटर को वापस खेती के लिए किस तरह से यूज ले सकते हैं। अगर खेती में कहीं उपयोग नहीं हो सकता है, बागवानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। बागवानी के लिए भी अगर उपयोग नहीं हो रहा है तो हमारी धरातल के पानी को, भूगर्भ के जल को वापस पुनर्भरण करने के लिए भी उस पानी का उपयोग किया जा सकता है। जब भूगर्भ जल के पुनर्भरण की बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया, उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में जब हम काम करें तो साथ साथ में सोर्स सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करें कि सोर्स भी निरंतर सतत बना रहे, उसके लिए भी हमको काम करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि इस वर्ष का वर्ष जो है वो निश्चित रूप से अत्यंत ही जो है ऊर्जा और उत्साह का प्रदान करने वाला वर्ष। हमने देखा पूरा विश्व आज कोरोना की आपदा से ग्रसित है, हमारा भारत भी आज कोरोना की आपदा से ग्रसित है, लेकिन विश्व के देशों की तुलना में यदि मैं भारत की तुलना करूं तो भारत का जो है दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में बहुत बेहतर परिस्थिति में है। दुनिया के बड़े बड़े 15 देश जहां सबसे ज्यादा प्रभाव है, उन देशों के बराबर जनसंख्या केवल भारत में, और भारत की परिस्थिति और उनकी परिस्थिति को किसी भी पैरामीटर पर, किसी भी मानक पर कस के देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह से राज्यों के सहयोग से आम आदमी को साथ लेकर के जिस तरह से लड़ाई लड़ी, आज उसका परिणाम है कि आज हम बेहतर स्थिति में, और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो निश्चित आसिफुद्दौला ने सन 1775 में करवाना शुरू किया था, जिसे उनके उत्तराधिकारी नवाब सादत अली खान ने पूरा करवाया था। रेजिडेंसी के नाम से ही ये जगह फिरंगी जनरलों की कयाम गाह रही है।
तो आप सबकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि मैंने इतिहास में पढ़ा है कि इस बुंदेलखंड में यहाँ के बुंदेल जो है बुंदेला राजाओं ने हजारों की संख्या में तालाब बनाए थे, हजारों की संख्या में यहाँ तालाब बने थे और उन तालाबों के माध्यम से यहाँ के भूगर्भ का जल जुड़ा समस्त ज्ञान एक ही मंच पर उपलब्ध है। जब हमने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का सफर पूरा किया तो ये एहसास मन में घर कर गया कि ये संस्थान खेलों को ही प्रोत्साहन नहीं देता बल्कि यहाँ आने वाले बच्चों के समग्र विकास में अपना योगदान निभाता है। कि पानी बचाने की जिम्मेदारी हम सबको लेनी पड़ेगी। बरसात का पानी एक एक बूंद पानी को सहेजें, घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, धरती का पानी धरती में और गांव का पानी गांव में रोकने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं के साथ साथ में आम जन को भागीदारी लेकर के आम जन को जिम्मेदारी समझ करके इस जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाना पड़ेगा और जन जन का आंदोलन यदि ये बनेगा तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों को हम एक जल समृद्ध देश दे सकेंगे, जल समृद्ध जीवन दे सकेंगे। इस संकल्प के साथ में हम सबको आगे जुटने की आवश्यकता है। मैं बुंदेलखंड के लोगों को जिन 14 लाख आबादी तक ये पीने 14.5 लाख आबादी तक ये पीने का पानी पहुंचने वाला है उन 644 घर के गांव के लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। उन माताओं बहनों को भी मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके आशीर्वाद से जो ये भारतीय जनता पार्टी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को जो काम करने का अवसर आपने दिया है निश्चित रूप से आप सब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हुए इस देश को समृद्ध संपन्न शक्तिशाली और इस देश को नया भारत बनाने के लिए हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबका अभिनंदन। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके कहे गए।